हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक की स्टॉक के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही यहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम में हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे जो वीडियो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉप 500 कैटेगरी का यहाँ पे 40वां वीडियो है। तो सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट करके देखते हैं क्या है यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक का अगर यहाँ पे देखोगे जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 295 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। करीबन यहाँ पे थोड़ा सा आज प्रेशर देखने को मिला है हिंदुस्तान जिंक में। इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1,24,000 करोड़ के आसपास है, और इसका जो एक साल का हाई था यहाँ पे 344 रुपए का इसने हाई बनाया था और 285 रुपए का इसने लो बनाया था। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो स्टॉक का यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 15 के आसपास है। बुक वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 32 है। डिविडेंड ईल यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड ईल्ड प्रोवाइड करता है, करीबन यहाँ पे 25.6% का यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये जो अपने कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करता है वो 15.4 है, और इक्विटी पे जो ये रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 44.5 के आसपास है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। ये जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आते हैं चार्ट पे। 1 ईयर का प्राइस जो है आपके सामने है। हिंदुस्तान जिंक ने अभी 1 ईयर में कोई भी रिटर्न यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को दिया नहीं है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे 10 साल के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो उसका अगर आप मीडियन देखेंगे, मीडियन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 12.9 निकल के आ रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो वैल्यूएशन है इसका, जो एवरेज मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उससे यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक महंगा दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक होता है करेक्ट, अभी ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक करेक्ट हो गया है। इसने जो हाई बनाया था ये देख सकते हो, 353 रुपए का बनाया था हाई, और अभी यहाँ पे 295 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट अभी यहाँ पे जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसको यहाँ पे ये अचीव नहीं किया है। बात करते हैं पीयर्स की। पीयर्स में देख सकते हो इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर आता है, ग्रेविटा इंडिया आता है, बहुत सारे यहाँ पे इसके जो पीयर्स है वो यहाँ पे देख सकते हो। मेन मुद्दे की बात, इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे कैसा है। बिजनेस अगर आप देखोगे, बिजनेस में इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, बट अभी यहाँ पे कुछ क्वार्टर से यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे डाउन हो गई। इनकी जो हाईएस्ट एवर यहाँ पे सेल्स देख सकते हो 9,387 करोड़ के आसपास था, और अभी यहाँ पे दिसंबर 2023 का जो सेल्स निकला है वो यहाँ पे 7,310 करोड़ के आसपास। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपेयर करें तो वहां पे जो सेल्स आई थी 7,866 करोड़ के आसपास आई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो बढ़ गई है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो सेल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है यहाँ पे खर्चे काटने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 3,520 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका आया है, और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 3,139, और लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में यहाँ पे 3,707 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। अदर इनकम की बात करिए, अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हो 305 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनकी अदर इनकम है, वो भी यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट इन्होंने कितना पे किया है, इन्होंने जो बोरोइंग लिया था उधार जो लिया था उस पर यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया है बैंक को, वो इस क्वार्टर पे देख सकते हो 243 करोड़, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 232 करोड़ के आसपास। डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है कि इतने करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन इनके एसेट्स में देखने को मिला है, 904 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके एसेट्स में डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट, इन सब चीजों को यहाँ पे घटाओगे, अदर इनकम को ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पे। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन घटाने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा वो यहाँ पे 2,678 करोड़ के आसपास आ रहा, जबकि लास्ट क्वार्टर कितना था 2,313 करोड़ के आसपास था, और दिसंबर 2022 में कितना था 3,187 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर घटी है, सेल्स भी ईयर ऑन ईयर क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हो कम हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे सेल्स भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इनका इंक्रीज हुआ है।
टैक्स ये कितना पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये देख सकते हो 24% का यहाँ पे ये टैक्स पे आउट करते हैं। इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो यहाँ पे 2038 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा, और लास्ट क्वार्टर 1737 के आसपास यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ईपीएस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, बट अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। यही चीज अगर आप ईयर वाइज भी देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको समझ में आएगा बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बिजनेस में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है, आप देख सकते हो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो बिजनेस है इनका, लास्ट ईयर यहाँ पे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का था वहां पे, वहां से क्या हुआ है, बिजनेस डाउन हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी रेशियो में क्या हुआ है, डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे क्या हुए, उसी रेशियो में कम हुए, उसी रेशियो में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, और अदर इनकम जो है, अदर इनकम भी यहाँ पे लास्ट ईयर से, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे इनको कम देखने को मिल रहा है, इनको जो मिला है। और इंटरेस्ट इनका क्या हुआ है, लास्ट क्वार्टर से इनका लास्ट ईयर से यहाँ पे इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ गया है। लास्ट ईयर इनका जो इंटरेस्ट का, ये जो इंटरेस्ट पे किए थे बैंक को 333 करोड़ के आसपास पे किए थे, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 869 करोड़ के आसपास इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। डिप्रिसिएशन भी इनका यहाँ पे बढ़ गया है 3264 करोड़ से 3458 करोड़। तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे इसीलिए दिखाई पड़ रहा है, 11118 करोड़ के आसपास, इसीलिए यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होके आया है। नेट प्रॉफिट की बात भी करते हैं तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 8334 करोड़ के आसपास आया है, और लास्ट ईयर यहाँ पे 10520 करोड़ के आसपास था। तो सारी चीजें यहाँ पे कंपनी में मतलब अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा हमको ओवर वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, तो उस चीज को भी यहाँ पे आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, रिजर्व यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे दो साल से मतलब कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ा है। रिजर्व देख सकते हो 33,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, अभी यहाँ पे 12,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका रिजर्व है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में इन्होंने जो पैसा डाला था वो देख सकते हो कितना है अभी, 1250 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर यहाँ पे कितना था, 2107 करोड़ के आसपास। तो वो चीज यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बोरोइंग यहाँ पे देख सकते हो 11,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग ले लिया है। पहले यहाँ पे इनके पास बोरोइंग बहुत कम था, अभी यहाँ पे ये क्या किए हैं, बोरोइंग को बढ़ा दिए हैं। तो ये चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है। अगर बिजनेस अगर इम्प्रूव होने वाला है आगे तो बोरोइंग ले सकते हो, बट उसमें एक चीज की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट से कट जाता है। तो वो यहाँ पे मेन फैक्टर है, और अगर ये ज्यादा बोरोइंग लेते गए तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम होता जाएगा, कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस चीज पे भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जो प्लेयर है, कौन कौन से बड़े प्लेयर है, बिग फिश कौन है यहाँ पे, ये देख सकते हो प्रमोटर के पास पूरा का पूरा यहाँ पे 65% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर के पास है। एफआईआई यहाँ पे स्टेक बढ़ाए थे, फिर यहाँ पे स्टेक को क्या किए, कम कर लिए, ये देख सकते हो 1% से भी कम यहाँ पे जो होल्डिंग है यहाँ पे एफआईआई की है। डीआईआई का जो स्टेक है वो यहाँ पे 3% है, और मेजोरिटी यहाँ पे होल्डिंग जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे कितना परसेंट होल्डिंग उठाए हुए है, 29.54% यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग उठाए हुए है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 2% के भी कम है यहाँ पे होल्डिंग। तो जो मैक्सिमम होल्डिंग है किसके पास है, बड़े प्लेयर, मोटे प्लेयर के पास है। तो स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, मजबूत है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट का पोस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे एक इस साल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस कारण यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम आया है लास्ट ईयर से, बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसलिए यहाँ पे अच्छा, अगर डिप मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिन लोगों को वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।